सामने में तो है सुनील जी, सुनील जी देखिए ना यहाँ, सुनील जी आप यहाँ देखिए, अच्छा आप उधर देख रहे हैं, आप अपने पीछे तो देखिए, पहले आप अपने पीछे देखिए, क्या बुलाई है ये बता दीजिए, पहले क्यों बुलाया है, पहले आप पीछे देखिए, हम लोग को दर्शन करने दीजिए, दर्शन करने बोल के जाइए उसके बाद दर्शन दीजिए। सुनिए आपसे अगर हमसे कुछ भी आपको सुनना है या जानना है कि मेरे मन में क्या विचार है तो हम सदन में बोले, हम आपके रोड पर नहीं बोले। एक बात बताइए कि सदन में बोले, और देखिए जो भी हमने अपने पेज पे लिखा हम आज भी उस विषय पर कायम है। सुनिए ना, आज भी उस विषय का क्या आपको लगता है कि सरकार बदलने के बाद इन पर हमारे बोलने, सुनिए हमारे बोलने और नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की एक एक जनता पहले से इनको जानती थी, अब तो पूरे देश की जनता जान रही है कि भाई ऐसा भी कोई प्राणी होता है, गिरगिट भी इनके करतूतों से शर्मा। ईडी ऑफिस में आज लालू आएंगे, देखिए ईडी फीडी हम नहीं जानते हैं, हम लोग दादी जी मंदिर में आए हैं, कैमरा इधर घुमाइए, आप इधर क्यों घुमाए हुए हैं, आपको इधर घुमाएंगे, बताइए। अच्छा आपको ईडी दफ्तर दिख रहा है, दादी जी मंदिर नहीं दिख रहा है, अरे भाई आप क्यों बोलना चाहते हैं कि आधा गिलास पानी खाली है, आप ये बोलिए कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, हम लोग मंदिर में दर्शन करने आए हैं, छोड़ने वाले जो बात कह रहे थे, तो मतलब सिर्फ उन्हीं का कॉपीराइट है उनके गोद में बैठना, हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, हम लोग नास्तिक है क्या, थोड़ा थोड़ा में आए हैं, इसलिए चिंता हटाइए। आपके जो की तिथि पर आज बुलाया है, सत्ता का परिवर्तन तिथि देख लीजिए, सम्मान पर बुलाने की तिथि देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई थी इस देश में बिहार को लेकर के, ये तो साफ़े ना है जी। राम मंदिर का मुद्दा लेके आया, बिल्कुल छुछुरी की तरह समाप्त हो गया, अब चार दिन से बिहार ही चल रहा है, कितना एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन सत्ता के परिवर्तन की तिथि और ईडी के सम्मन की तिथि को मिलाइएगा तो स्क्रिप्ट राइटर ने दोनों को मिला करके स्क्रिप्ट लिखा था। हम सम्मान करते, भाजपा से लड़ाई नहीं है, भाजपा के लड़ाई पार्टनर है उनसे भी लड़ाई है, हम तो नीतीश जी के सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं, भगवान करे उनके सेहत अच्छा रखे। भाजपा के लोगों ने क्या बोला, सम्राट चौधरी ने क्या कहा, विजय सिन्हा ने क्या कहा इनके बारे में, चिराग पासवान ने क्या कहा इनके बारे में, निवेदिता ने एक बयान दिया था जनसंख्या पर, बाहर और भीतर वाले सवाल पर, किस तरह से मिर्ची लगी थी, किस तरह से आंखों बहाए थे, आज कितना शूट कर रहा है वो तो वही बताएंगे कितना वो शूट कर रहा है। कल सुबह तो कह रहे थे कि जान बच गई नीतीश कुमार की, बिहार बच गया। जो लोग हाशिए पे थे, अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे, दुनिया के हर पार्टी से समझौता किए थे, उनको पूछिए। घंटों में आपने देखा और इस मंच पर अभी बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम जी भी उतरे उपस्थित हैं। आपने देखा कि पिछले 48 घंटों के बिहार के राजनीति की स्थिति को आप लोगों ने देखा। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल हम लोगों को प्रस्ताव मिला था कि भारतीय जनता पार्टी हमें सरकार में समर्थन करे, उसके बाद उनका दूत भी हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र संसार हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी, तो सारी स्थिति को आप लोगों ने देखा। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में समता पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया था साथ, और लगातार एनडीए बनाकर 96 का चुनाव हो, 98 का चुनाव हो, 99 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 2005 और 5 दूसरा 5 का चुनाव, लगातार लड़ती रही एनडीए,
और 2005 में जंगल राज को समाप्त करके बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया। तो पूर्ण रूप से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, अभी हम पार्टी का भी हम लोगों के साथ सहयोग है, निर्दलीय भी एक है, तो सभी लोग मिलकर जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो अधूरे सपने छूट गए उसको पूरा करने का काम किया जाए। 2020 के चुनाव के बाद के समय हम लोगों ने पूरी तरह संकल्प लिया था और संकल्प घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाला था, 10 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कमिटमेंट था, उसको पूरा किया जा रहा है। 2021 में हम लोगों ने 1,75,000 सरकारी नौकरी निकालने का काम किया था और वो प्रोसेस में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। रोजगार भी देने का काम किया जाएगा, बिहार को विकसित तौर पर खड़ा किया जाएगा और रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा कि बिहार में कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू उपलब्ध हो, जिससे कि बिहार के विकास के काम पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलित समाज में, किस तरह हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति के बीच में विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसकी हम चिंता करने का काम करेंगे। देखिए एकदम स्पष्ट मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी माँ समान है, स्वाभाविक है, मैं भावुक होकर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरी जन्म देने वाली माँ जब हमको छोड़कर जा रही थी और जब चली गई तब मैंने मुरेठा बांधा था और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें विरोधी दल के नेता के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर कमिटेड आदमी हूं, आज भी कमिटेड हूं, लेकिन जब मेरी दूसरी मां भारतीय जनता पार्टी इसके सम्मान, इसके वजूद और इनके नेतृत्व का जो निर्णय होता है, इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार हूं। बात स्पष्ट जानी, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं, ये पूरी टीम काम करती है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूं, देखिए वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कहीं तो मत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूख जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता, लेकिन समाज, समाज की समृद्धि, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारा दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार के अंदर जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व पर पूरे बिहार भाजपा के कार्यकर्ता को पूरी तरह से विश्वास है कि आज उन्होंने, और आभार व्यक्त कर रहा है कि बिहार को जिस रास्ते पर लेकर के राजद के लोग चला था
उससे बचा लिए और राजद की मानसिकता जिस अराजकता का था, सामाजिक उन्माद फैलाने का था, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने का था, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता थी, आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के इस बात को समझे कि जनादेश सुशासन के लिए, शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए है और इसको हमको मजबूत करना है, विकास की गति को डबल इंजन की सरकार मिलकर बढ़ाएगी, ये वातावरण बनाना है। और मैं पुनः अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, ये अवसर पूरी तरह से सेवा का है, मेवा खाने वाले मानसिकता को समाप्त करने का है और एक वातावरण बनाना है जो बिहार के अंदर रचनात्मक और विकासात्मक माहौल को खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी देखिए हमारा जो भी सुनना है आप सदन में सुनिए। कहाँ आए हैं हम अभी? ये तो बता दीजिए कहाँ कहाँ हम विश्वमान के बगल में है। विश्वमान के बगल में है। सामने शहर भी तो आए हैं। अरे भाई शक्ति धाम पटना देखिए ना, इधर इधर कैमरा घुमाइए ना सुनील जी। अरे इतना बड़ा दिल छूट गया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, हमारे मीडिया के राष्ट्रीय सह प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी, मीडिया प्रभारी मनोज शर्मा जी, ताली सुखवाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथी गण, छोटे व्यापारी हैं, इनको सबसे बड़ी चोट लगती है। तो आर्थिक न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकली है और सबसे बड़ा सामाजिक न्याय जो हमने जाति जनगणना की बात की है। जाति जनगणना की बात की है भाई और बहनों, देश में हेलो आदिवासी है, दलित जमा हुआ है 15% दलित वर्ग, 15% माइनॉरिटी वर्ग, ये जो सब लोग हैं इनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। भैया भैया तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं, ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है, ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा। ब्रदर सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी, अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी मदद करने का काम करे। ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था।
आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, मोहब्बत की आपने दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई।